अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ़ वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में इस वक्त कौन से सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं और हम किन सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए। और फिर हम ये भी देखेंगे जो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्या ये सारे पेड हैं, और अगर हमने फ्री में यूज़ करना है तो क्या हम इनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स को। तो इस वक्त जो हमारे पास जो मार्केट में तीन स्टैंडर्ड के मुताबिक सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है अडोब, जिन्होंने फोटोशॉप बनाया था ये अडोब ने बनाया था। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा है वो है एप्पल के सॉफ्टवेयर्स हैं, कि वो एप्पल का सॉफ्टवेयर कौन सा है जी, वो है फाइनल कट। और जो अडोब का सॉफ्टवेयर है जो हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे वो है प्रीमियर प्रो, और सेम अडोब का ही सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे एनिमेशन के लिए वो है आफ्टर इफेक्ट। और इस वक्त मार्केट में दोनों के 2022 वर्जन चल रहे हैं अडोब के। जो एक हमारे पास एक ऑप्शनल सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक है बट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मार्केट में उसके यूज़र्स बहुत कम हैं, वो है डिविंची रिजॉल्व। डिविंची रिजॉल्व भी एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है और अमेरिका के अंदर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बट मार्केट के अंदर जो हाईली कम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं अडोब और एप्पल के। तो अब देख लेते हैं अडोब के प्रीमियर प्रो में और आफ्टर इफेक्ट के अंदर और फाइनल कट में क्या फ़र्क है। प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट अडोब की एक प्रोडक्ट है, अडोब जिनका फोटोशॉप है ये उन्होंने ही बनाया है। अब अडोब ने ये सॉफ्टवेयर दोनों के लिए बनाया है कि आप अपनी मैकबुक पे भी चला सकते हो, अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो आप मैकबुक पे चला सकते हो, अगर आप विंडोज़ या लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो या डेस्कटॉप है आपके पास, आप उनके लिए भी, आप उन डिवाइसेस पे भी आप वो सॉफ्टवेयर चला सकते हो इजीली। अब देखते हैं फाइनल कट। फाइनल कट एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया एप्पल की प्रोडक्ट है, जिनका आईफोन है ये उनकी प्रोडक्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस पे चलता है, मैकबुक पे चलता है। ये एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था वीडियो एडिटिंग के लिए जिसका नाम है फाइनल कट। मार्केट में इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है, आप विंडोज़ यूज़र हो या मैकबुक यूज़र्स हो, तो आप उनके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर चलाते हो या परचेज़ करते हो या इंस्टॉल करते हो। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी। देखें अडोब आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा, आप इसका क्रैक वर्जन इजीली आपको मिल जाएगा, आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि इसका क्रैक वर्जन मिलेगा या नहीं, डजंट मैटर। आपको इसका क्रैक और हर अपडेटेड सॉफ्टवेयर इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएगा या इंटरनेट पे आपको आसानी से अवेलेबल होगा। मैं वो लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैकबुक के यूज़र्स के लिए थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनके लिए क्रैक वर्जन या फ्री के सॉफ्टवेयर्स मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है। आपको थोड़ी R&D करनी पड़ेगी, मिल जाएगा बट बहुत कम्प्लेक्स काम होता है वो भी। तो फाइनल कट वालों के लिए ये ज़रा थोड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन्हें मोस्ट ऑफ़ द सॉफ्टवेयर उनके लिए पे करना पड़ेगा फाइनल कट के लिए या उनके लिए। अब तीसरी चीज़ जो है हमने बात की थी डिविंची रिजॉल्व। डिविंची रिजॉल्व की हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं, देखिए डिविंची रिजॉल्व के रिजॉल्व की कुछ यूनिकनेस हैं, हर सॉफ्टवेयर की कुछ यूनिकनेस है। जैसे कि फाइनल कट एप्पल की प्रोडक्ट है तो वो इस वजह से यूनिक है, जो प्रीमियर प्रो है वो अडोब की प्रोडक्ट है तो वो इस वजह से यूनिक है। डिविंची रिजॉल्व जो है इसकी यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर कलर ग्रेड आप करते हैं, कलर ग्रेड यूं तो सब में हो जाता है, प्रीमियर में भी इजीली हो जाता है और फाइनल कट में भी बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग होती है, प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग आप प्रीमियर में भी कर सकते हैं, फाइनल कट में भी कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो डिविंची रिजॉल्व है इसकी सिर्फ यूनिकनेस ये है, ये फ्री में मिल जाता है और इसकी एक छोटी सी यूनिकनेस ये है कि ये कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप कलर ग्रेडिंग एक सिनेमेटोग्राफर के तौर पर करना चाहते हैं, बहुत ही यूनिक लेवल की करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यूज़र इंटरफेस जो इनका सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस है वो सेम ही होता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ उनके इफ़ेक्ट और वो आपको एक सेम ही
पैटर्न ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि प्रीमियर आपने चलाया तो वो फाइनल कट में वो चीज़ कहाँ पड़ी होगी या वो टूल कहाँ पे होगा, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो उसके बाद हमारे इस कोर्स के अंदर जो एक और अहम चीज़ आ जाती है वो है कि वीडियोज़ आपने एडिट कर ली या बना ली, बहुत सारा डाटा आपके पास आ गया, आपने अपने क्लाइंट्स को दे दिया, तो अब बात आ जाती है कि इतना डाटा आपने बना के रखा हुआ है, क्या वो सारा का सारा डाटा आपने अपनी लैपटॉप में रखोगे? अगर इन केस आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आप वो पोर्टफोलियो कैसे दोगे? आप क्लाइंट को क्या कहोगे, डाटा मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर है, मैं आपको हार्ड ड्राइव दे दूँ, या मेरे यूएसबी के अंदर है, क्या मैं आपको यूएसबी में अपना डाटा दे दूँ, क्या आप मेरी एक एक वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे काम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये सब मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप सबके लिए सबसे अहम है। ऑफकोर्स आपके आपकी पोर्टफोलियो अच्छी होगी, पोर्टफोलियो आपकी हर किसी की एक्सेस में होगी तो लोग आपको रीच आउट करेंगे, चाहे वो आप जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग के काम के लिए अप्लाई करें, आपकी पोर्टफोलियो इजीली लोगों को एक्सेस में होगी तो लोग आपका काम देखेंगे और उसके बाद आपको रीच आउट करेंगे। तो डाटा आपने कहाँ रखना है, आपने अपनी पोर्टफोलियो कहाँ बनानी है, किस प्लेटफॉर्म पे बनानी है, और आर्टिस्ट लोगों के लिए या जो इस फील्ड में काम करते हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो यूज़ करते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, उनके लिए रिकमेंडेड क्या है? हर चीज़ आप फेसबुक पे अपनी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो इस फील्ड में आपको आपको मैं वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कि आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आपने पोर्टफोलियो बनानी है, और पोर्टफोलियो में कौन कौन किस तरह से डिस्क्रिप्शन डालनी है, किस तरह से अपलोड करनी है, किस तरह से उसका कवर बनाना है। मेक श्योर करें कि आप इसमें इस तरह का कवर नहीं बनाएंगे जैसा कि हम अक्सर यूट्यूब पे एक देखते हैं कि ये देखें जी सलमान खान ने शाहरुख खान को क्या कह दिया। नहीं, ऐसी आपने दो नंबरी नहीं करनी, आपने यूनिक थंबनेल बनाना है, यूनिक वो बनानी है, प्रोफेशनल लगना चाहिए, वो आपकी पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब ना करे वो जो आपका थंबनेल है। तो आपने उन सब को फॉलो करना है, तो मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा कि एक वीडियो अगर आपने बना ली और उसे अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो वो कैसे आप अपलोड करोगे, कैसे डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो ये सारी चीज़ें हम उसके बाद करेंगे। और जब आप किसी क्लाइंट को या किसी दूसरे को या इवन अपनी CV के अंदर आपने अगर अपनी पोर्टफोलियो दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो ये चीज़ भी बताऊंगा। आपने उस पोर्टफोलियो जिस प्लेटफॉर्म पे पोर्टफोलियो बनाई है वहाँ से अपनी प्रोफाइल का लिंक कॉपी करना है और अपनी CV के अंदर या रिज्यूमे के अंदर या अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे वो लिंक आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है कि लोग उस लिंक पे क्लिक करें और वो फौरन से आपकी प्रोफाइल पे पहुँच जाएँ। तो ये सबको अंदर देखेंगे कि आपने किस तरह से पोर्टफोलियो बनानी है। और उसके बाद इंतहाई अहम चीज़ जो है वो है कि आपने ये भी देखना है कि क्या इस सॉफ्टवेयर को जिनकी हम बात कर रहे हैं अडोब की और ये फाइनल कट की, इनको चलाने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम होना चाहिए, हम उस सिस्टम की मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या है उसको। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक फ़ाइल हमने बना ली है और जब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इस कोर्स में बिल्कुल न्यू हैं, तो वैसे इस फील्ड में या वीडियो एडिटिंग में या एनिमेशन के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, रेंडरिंग। अब रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग वीडियोस की फॉर्म में या एनिमेशन की फील्ड में हम एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस को वीडियो एडिट रेंडरिंग कहते हैं। इन केस आपने एक वीडियो बना ली, अब वो वीडियो जो है वो आपकी प्रीमियर के अंदर है, अब आपने उसको MP4 के फॉर्मेट में लेके आना है, अब वो जो प्रोसेस होगा ना पीछे सारा प्रीमियर की फाइल से उसमें MP4 के फॉर्मेट तक लाने को प्रोसेस को सारे को रेंडरिंग बोलते हैं। तो यहाँ अभी के लिए मैंने यूज़ किया था एक्सपोर्ट, बट फॉर नाउ मैं अब से ऑनवर्ड्स रेंडरिंग का वर्ड यूज़ करूँगा। जब भी मैं रेंडरिंग का वर्ड यूज़ करूँगा इसका मतलब है आपने समझ जाना है कि मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम ये भी देखेंगे रेंडरिंग की सेटिंग कैसे करती हैं, क्या क्या सेटिंग रखनी है, कि अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं या ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं या फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं या लिंकडइन पर अपलोड कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपने अपनी रेंडरिंग सेटिंग क्या रखनी है, तो ये भी देखेंगे।
अगेन यहाँ मैं वापस आता हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशन की। देखिए, अगर आप अच्छा सिस्टम या गेमिंग पीसी अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और इससे ये है कि आपका काम स्पीडीली होगा और स्मूथ के साथ हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी आपके काम में। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और आप कहते हैं हम मिनिमम स्पेक्स इस काम के लिए अभी फ़िलहाल अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, जो कि मिनिमम 8 GB रैम। अगर आप 12-16 रैम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आ जाता है कि मिनिमम जो ग्राफिक कार्ड है वो ग्राफिक कार्ड मिनिमम आपके पास 2 GB का होना चाहिए, चाहे वो आप NVIDIA का ले लें या आप AMD का ले लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आराम से या आप यूज़ कर अफोर्ड करें। और प्लीज़ कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 2 GB का ग्राफिक कार्ड हो। तो सिस्टम जनरेशन की बात कर लें, प्लीज़ मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग 3rd या 4th जनरेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। कोशिश करें नई जनरेशन के साथ आप काम करें, मे बी 7, 8, 9, 10 जो भी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, आप अगर वो कर लेंगे उससे ये है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, और जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी होगी, और उसमें बड़ा फ़र्क आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन सिस्टम और न्यू जनरेशन सिस्टम में। तो ये आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सिस्टम में कम से कम एक SSD लगवाएं, हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो आप अपने इस प्रीमियर में और आफ्टर इफेक्ट में काम करने के लिए कम से कम आपके पास SSD होनी चाहिए, चाहे आप अपने सिस्टम में SSD कार्ड लगवा लें या SSD हार्ड लगवा लें, रिप्लेस कर लें बेशक उसको आप अपनी हार्ड ड्राइव के साथ। SSD से फ़ायदा ये होगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और आपके जब आप काम कर रहे होंगे वीडियो एडिटिंग में और एनिमेशन के अंदर तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये तो हो गई सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आपने उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कहाँ से करना है, आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो, और उनको क्रैक करने की ज़रूरत है या नहीं, वो लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, तो वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मैं आपको सारा यूज़र इंटरफेस भी समझाऊंगा और उसकी सारी सेटिंग्स भी समझाऊंगा कि प्रीमियर की सेटिंग्स क्या हैं। तो मैं तो ये था आज की वीडियो के लिए। तो अगेन मैं एक दफ़ा चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या लेके चलेंगे और इस कोर्स के करने के बाद आप एलिजिबल क्या करने के एलिजिबल होंगे। इस कोर्स के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर एक मल्टीपल कैमरा एडिटिंग अगर आपने करनी है तो वो कैसे करते हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे कि अगर आपने एक प्रोमोट स्टाइल कोई वीडियो बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं, मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने वीडियो एडिटिंग करनी है और किस तरह से एक प्रोमो स्टाइल बनाना है। इस कोर्स के करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ को आप वीमियो पे अपलोड कर सकते हैं या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रीमियर प्रो के अंदर अगर आपने वीडियो के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है तो वो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, वो भी मैं हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। और इंतहाई अहम चीज़ के कलर ग्रेडिंग अगर करनी है प्रीमियर के अंदर, तो मैं भी प्रीमियर की आपके लिए दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन कि अगर हम प्रीमियर के लिए क्या करेंगे। तो प्रीमियर के अंदर फिर हम कलर ग्रेडिंग भी देखेंगे, कलर ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं, कलर पे उनको अगर किसी फुटेज का कलर ख़राब है या उसकी क्लिक सही से नहीं हुई तो उसको हम किस तरह से क्लीन करेंगे या उसको फिक्स करेंगे उस इशू को, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अपने आपने अपनी वीडियो के ऊपर या कोई फुटेज के ऊपर ओवरले लगाना है तो वो ओवरले कैसे लगाते हैं, तो इस तरह की सारी हम चीज़ें देखेंगे। अगर कोई आपने इवन कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है प्रीमियर के अंदर, हम वो भी देखेंगे आपने स्पेसिफ़िक इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करना है और ट्रांजिशंस कैसे लगानी है, किस टाइम पे कौन सी ट्रांजिशंस लगेगी, तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे और मैं आपको सब कुछ ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाऊंगा। उसके बाद जो हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर कवर करेंगे वो होगा जी हमारा कि आपने टेक्स्ट की एनिमेशन कैसे क्रिएट करनी है,
अगर आपको एक कोई फुटेज दी गई है, फुटेज का मतलब यहाँ आप ले सकते हैं वीडियो ले सकते हैं या कोई पिक्चर ले सकते हैं या कोई और एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ एलिमेंट का वर्ड्स वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के अंदर जो एलिमेंट का वर्ड यूज़ होगा वो होगा हमारे एसेट्स। एसेट का मतलब कि एक वीडियो के अंदर या एक एनिमेशन के अंदर जो जो चीज़ें हमने दिखानी है उस सारे को हम एसेट बोलते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं कि यार इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ें, ये क्लिप्स, ये वीडियो चंक्स मैंने ऐड करने हैं, इन सब को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो आपकी वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती हैं लाइक कोई लाइन गुजर के चली गई, मोशन ग्राफिक्स की कोई चीज़ हो गई, इनको हम एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे फोटोशॉप की फ़ाइल और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर प्रो लेवल पे भी हम जाएंगे कि अगर आपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही 3D का काम करना है, 3D एनिमेशन का काम करना है, तो आप कौन से प्लगइन यूज़ करोगे, आप कौन से इफ़ेक्ट यूज़ करोगे, तो और उस प्लगइन की यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और के कोशिश करूँगा कि आपको मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन भी सिखाऊँ कि वाइट बोर्ड एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं। और साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 2D एनिमेशन जो एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं उसके बारे में बताऊं और वो भी आपको करके दिखाऊं कि आप किस तरह से 2D एनिमेशन बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जो जो चीज़ें मैं आपके सामने रखी आपको समझ आ गई होंगी। आप अगर आपको अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन, अपना कमेंट्स नीचे ड्रॉप करें। अगर आपकी कोई अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दूं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो वीडियो उस टॉपिक से या उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आपकी जो क्यूरी है वो आपकी दूर कर दूँ। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।